हेलो, चलो स्टार्ट करते हैं न्यू चैप्टर ज्योग्राफी का। द एटमोसफेयर चलो ठीक है, मैं आपसे पूछता हूँ, एटमोसफेयर से आप क्या समझते हैं? एटमोसफेयर की पूरी यूनिट है आपकी ये वाली। पहले चैप्टर आपको एटमोसफेयर का मीनिंग बताएगा। आपने स्कूल में पढ़ रखा होगा, नहीं भी पढ़ रखा होगा तो आपने वर्ड तो जानते हो ना, इस वर्ड से अवेयर तक हो, तो आपके अकॉर्डिंग इस वर्ड का मीनिंग क्या है? चलो ठीक है, आपने जो भी बताया एक बार देख लेते हैं। ठीक है, ये मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ यहाँ पे, कि यहाँ पे जो है ना एटमोसफेयर है, इसके बहुत सारे पार्ट्स आएंगे। तो यहाँ पे दो वर्ड हैं बेसिकली, ये जो वर्ड है ना एटमोसफेयर, ये आपको स्फेरिक एरिया बताता है। तो स्फेयर मतलब होता है एरिया, तो आपको एरिया बताएगा अलग अलग क्वालिटी के बेस पे, और वो क्वालिटी इन वर्ड से डिस्क्राइब होती है। ठीक है, तो देखते हैं सर, ये एक एटमोसफेयर कौन से एरिया को बोलते हैं, एटमोसफेयर किस एरिया को बोलते हैं? तब कह रहे हैं कंपोजिशन एंड स्ट्रक्चर ऑफ द एटमोसफेयर। द एटमोसफेयर कंसिस्ट ऑफ मिक्सचर ऑफ गैसेस। ओहो, यानी एटमोसफेयर से बनता है ये जो एरिया है। अभी हमने एटमोसफेयर का मतलब एक एरिया ही समझा, ठीक है? फिर वो कह रहे हैं ये जो एरिया है किससे बनता है, ये बहुत सारी गैसेस से, विच वेरी विद हाइट, और जो कि हाइट के बेस पर वेरी करती है। यानी कि सर ये वो गैसेस है, आप जितनी ज़्यादा हाइट पर खड़े होगे उतनी ज़्यादा गैसेस की क्वांटिटी अलग हो जाएगी। ठीक है, नाइट्रोजन इज द मोस्ट अबंडेंट गैस एज इट फॉर्म 78% बाई वॉल्यूम ऑफ प्योर ड्राई एयर। सर ये गैस और एयर कहाँ से आ गए? सर एयर में गैसें तो होती हैं, तो वो ऊपर गैस से मतलब क्या, एयर तो एयर के बहुत सारी गैस होते हैं। वो कह रहे हैं, तो वो कह रहा है कि बेशक एटमोसफेयर बहुत सारी गैस से मिलकर आता है, ठीक है, लेकिन इस गैस में सबसे ज़्यादा डोमिनेंस जो होता है, वो नाइट्रोजन का होता है, क्योंकि ये टोटल एयर का 78% होता है। सर तो मीनिंग तो बताया नहीं उन्होंने। चलिए बताते हैं, देखते हैं क्या बता रहे, फिर मैं आपको समझा दूंगा इन्होंने नहीं बताया था। हम बताया आगे, ऑक्सीजन अकाउंट फॉर 21% ऑफ बाय वॉल्यूम, है ना? सर ऑक्सीजन कितना होता है? 21%। सर ये तो 99% हो गए, 1% है, 1% के अंदर रिमेनिंग बहुत सारी गैसें जितनी बची हैं इंक्लूडिंग डस्ट पार्टिकल्स, वो सारे कवर हो जाते हैं। ठीक है, दस 99% ऑफ द एटमोसफेयर कंसिस्ट ऑफ, वो कह रहे एटमोसफेयर का 99% जो होता है वो नाइट्रोजन ऑक्सीजन कंसिस्ट करता है। विच आर ऑफ लिटिल सिग्निफिकेंस इन अफेक्टिंग वेदर फेनोमेना। विच आर ऑफ लिटिल सिग्निफिकेंस, जिनका सिग्निफिकेंस बहुत कम है। सिग्निफिकेंस मतलब इम्पोर्टेंस, जिसकी इम्पोर्टेंस बहुत कम है किस चीज़ में, इन अफेक्टिंग द वेदर फेनोमेना। सर वेदर की एक्टिविटीज को अगर चेंज करना हो, वेदर चेंज करना हो, तो नाइट्रोजन और ऑक्सीजन बहुत कम इम्पोर्टेंट है। यानी इनकी ये अकेले से वेदर चेंज कर ही नहीं सकते। ऑफ द रिमेनिंग गैस, ऑफ द रिमेनिंग गैस मतलब जो 1% जो बचा है कर रहा है, उसके बाद कर रहा है कि सर 1% में, सर जो 1% उसमें से आर्गन जो है वो 0.19 होता है, तो ये तो 0.1 बच गया। हाँ, और ये तो अदर गैसेस यानी 0.1 बचे हैं। अब ये कितने, 0.1%, और इनके अंदर क्या होता है, 0.1% के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड, हीलियम, हाइड्रोजन, मीथेन, बहुत सारे। दीज आर कॉल्ड द फिक्स्ड कंपोनेंट्स ऑफ द एटमोसफेयर बिकॉज देयर रिलेटिव प्रोपोर्शन इज कॉन्स्टेंट इन द लोअर लेयर्स ऑफ द एटमोसफेयर। वो कह रहे हैं क्योंकि सारे भी गैस की क्वांटिटी में फिक्स्ड है, क्या है, फिक्स्ड है, एक ऑलरेडी डिसाइडेड है, तो इन सभी को बोलते हैं फिक्स्ड कंपोनेंट ऑफ एटमोसफेयर। इनको एटमोसफेयर का फिक्स्ड कंपोनेंट बोलते हैं क्योंकि इनकी क्वांटिटी भी फिक्स्ड है। फिर कह रहे हैं, अब ये दूसरा रीजन दे रहे हैं, बिकॉज देयर रिलेटिव प्रोपोर्शन इज कॉन्स्टेंट इन द लोअर लेयर्स ऑफ एटमोसफेयर। वो चीज़ कह रहे हैं बस उसको घुमाता है, वो इनका जो प्रपोर्शन है ना वो कॉन्स्टेंट यानी फिक्स है, कहाँ पे,
एटमॉस्फेयर के सबसे नीचे लेयर पर, सबसे नीचे कौन सा लेयर होता है पढ़ लेंगे बस। अब इसमें उसकी क्वांटिटी क्या होती है, फिक्स जो होती है इसलिए, है ना, इनको फिक्स जो कॉम्पोनेंट कहा जाता है। तो तब फिक्स के अलावा सब वेरिएबल भी होते होंगे, चेंज होते रहते होंगे, ऐसे भी कुछ है, हाँ है ना। बिसाइड द फिक्स कॉम्पोनेंट्स देर आर अ नंबर ऑफ वेरिएबल कॉम्पोनेंट्स ऑफ द एटमोसफेयर। सर यहाँ पर बहुत सारे वेरिएबल कॉम्पोनेंट्स भी हैं और सर इनकी जो क्वान्टिटी है वो प्लेस टू प्लेस वेरी करती है, ठीक है। फैक्ट फाइल थोड़ी देर में पढ़ें, थोड़ी देर में पढ़ते हैं। ऑफ द कंपाउंड प्रेजेंट इन द एटमोसफेयर वाटर वेपर इज मोस्ट इम्पोर्टेंट। वो कह रहे हैं कि एटमोसफेयर में जितने कॉम्पोनेंट होते हैं सब में से वाटर वेपर सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट होता है। ऑन एन एवरेज वाटर वेपर फॉर्म्स ओनली 0.2% ऑफ वन, तो इसकी वेटेज जो होती है वो 0.2% होती है, ठीक है। इन्होंने क्लासिफिकेशन दिया है कि कैसे कैसे होते हैं, ठीक है। दो द अमाउंट ऑफ वाटर वेपर डज नॉट नॉर्मली एक्सीड 4%। वो कह रहे वाटर वेपर जनरली 4 से ऊपर नहीं भरता, 4% पर नहीं भरता। इट प्लेज द मोस्ट सिग्निफिकेंट रोल इन एटमोसफेयर, मतलब वो कह रहे हैं इसकी वजह इतनी कम होती है फिर भी ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कैसे? इट इज द सोर्स ऑफ क्लाउड, इसी की वजह से क्लाउड्स बनते हैं इन प्रेसिपिटेशन, और इसी की वजह से बारिश वगैरह होती है, हेलस्टॉर्म्स वगैरह होती है, स्नोफॉल वगैरह होती है। ऐसे वाटर वेपर की वजह से आपने पढ़ रखा होगा वाटर साइकिल टॉपिक, है ना। इट हैज़ द एबिलिटी, इट हैज़ द एबिलिटी टू एब्जॉर्ब और रिलीज हीट एनर्जी। इसके अंदर एबिलिटी होती है कि ये हीट एनर्जी को एब्जॉर्ब कर सके और रिलीज कर सके। एटमोसफेयर ऑल्सो कंटेन सॉलिड पार्टिकल्स ऑफ डस्ट। एटमोसफेयर के अंदर डस्ट पार्टिकल भी होते हैं, स्मोक भी होता है, सॉल्ट ग्रेन्स भी होते हैं, पॉलन ग्रेन्स भी होते हैं, एमिशन से रिलीज फ्रॉम द चिमनीज ऑफ फैक्ट्रीज, यानी धुआं जो गंदगी होती है वो भी होता है, सब कुछ होता है। दिस सॉलिड पार्टिकल स्कैटर सोलर रेडिएशन एंड कॉज रेड और ऑरेंज कलर इन द स्काई ड्यूरिंग सनराइज और सनसेट। ओहो अच्छी चीज है। वो कह रहे हैं एटमोसफेयर के अंदर बहुत सारे गंदे गंदे पार्टिकल्स होते हैं, ठीक है, ये सारी चीजें होती हैं। यही देखिए रीजन है जिसकी वजह से हमें सनसेट के टाइम पे जो सन है ना वो रेड और ऑरेंज कलर का दिखाई देता है स्काई में। सर क्यों? क्योंकि इसकी वजह से सन की जो रेडिएशन होती है ना वो बिखर जाती है, वो बिखर जाती है क्योंकि वो सनरेज इन सारी चीजों पर टकराती है और बिखर जाती है, और फिर वो रेड और ऑरेंज कलर का दिखाई देने लगता है। द सॉलिड पार्टिकल्स ऑल्सो एक्ट एज ए न्यूक्लियस फॉर द कंडेंसेशन ऑफ वाटर वेपर अराउंड देम। छोड़ दो इसको, न्यूक्लियर का मीनिंग भूल चुके होगे अभी तक। बेसिकली अगर आपको न्यूक्लियर का मीनिंग याद है तो वो कहना चाह रहा है कि सॉलिड पार्टिकल होती है वो एज ए न्यूक्लियर काम करती है, वो एज ए न्यूक्लियर काम करती है। एक बॉडी के अंदर न्यूक्लियर जैसा काम करता है वैसे सॉलिड पार्टिकल होते हैं वो वाटर वेपर की कंडेंसेशन वाली प्रोसेस में न्यूक्लियर का काम करते हैं। फिर लिखा हुआ है नाइट्रोजन कंबाइंस विद अदर गैस अदर एलिमेंट्स टू फॉर्म नाइट्रोजन कंपाउंड्स विच आर बेसिक फॉर ऑल ऑर्गेनिक प्रोसेसेस। वो कह रहा है नाइट्रोजन जनरली क्या करता है अदर एलिमेंट के साथ तो कंबाइंड होता है, कंबाइन होने की कोशिश करता है, जिससे वो क्या बनाते हैं कंपाउंड बनाता है, जिससे नाइट्रोजन का से कंपाउंड बनते हैं जो कि बेसिक के लिए जिसको बेसिक नीड है, जो कि बेसिक नीड है हर तरह की ऑर्गेनिक प्रोसेस के लिए, है ना। नाइट्रोजन फ्रॉम द एयर इज ऑल्सो यूज फॉर मैन्युफैक्चर ऑफ नाइट्रोजन नाइट्रोजेनियस फर्टिलाइजर। सर नाइट्रोजेनियस अगर फर्टिलाइजर बनाने हैं तो नाइट्रोजन का यूज भी किया जाता है, सिंपल सर। कार्बन डाइऑक्साइड इज यूटिलाइज बाई द प्लांट्स फॉर फोटोसिंथेसिस। वो कह रहे हैं कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है उसका भी यूज किया जाता है प्लांट्स के द्वारा जब वो फोटोसिंथेसिस करते हैं, तो ये तो फोटोसिंथेसिस की डेफिनेशन पड़ी होगी, तो उसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड आता ही है इन दी प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, है ना। तो वो लिखा है बोथ कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर वेपर इन द एटमॉस्फेयर अब्सॉर्ब हीट रेडिएटेड बाई द अर्थ एंड कीप द लोअर लेयर्स वार्म। वो कह रहे हैं कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर वेपर, है ना, जो कि एटमोसफेयर में प्रेजेंट होते हैं एब्जॉर्ब हीट, है ना, ये दोनों क्या करते हैं हीट को एब्जॉर्ब करते हैं, हीट को अपनी तरफ एब्जॉर्ब करते हैं, जो खींचते हैं बाय द अर्थ, है ना, जो कि अर्थ से निकल रही होती है, और कीप द लोअर लेयर्स वार्म, और जी क्योंकि जमीन पे एकदम होते हैं तो ये लोअर लेयर को वार्म रखते हैं। सर बताया नहीं वार्म लोअर लेयर कौन से है, तो मैं आपको सुना दूँ। लोअर लेयर वो लेयर है जहाँ से हम रह रहे हैं अभी, है ना, और इससे ज़्यादा मत भी पढ़ो, इससे ज़्यादा हम आगे पढ़ लेंगे समझेंगे जब, है ना। वाटर वेपर फिर क्या कहना है ऑल्सो कॉज कंडेंसेशन क्लाउड्स रेनफॉल एंड स्नोफॉल। ये तो मैंने बताया था वाटर वेपर ही होता है जिसकी वजह से सारी चीज़ें होती हैं। ऑक्सीजन इज नेसेसरी फॉर इंस्पिरेशन
फॉर ऑल ऑर्गेनिज्म, ये पता नहीं इंस्पिरेशन क्यों लिखा है। आप इसको ये समझने का मीनिंग क्या है कि ऑक्सीजन हर किसी की जरूरी है, के लिए बहुत जरूरी है, ठीक, हर तरह के ऑर्गेनिजम्स के लिए। द एटमोसफेयर मिलियंस ऑफ मीटियोर्स एंड मीटोराइट पार्टिकल्स विच फॉल टुवर्ड इट फिल्टर्स अ ग्रेट डील ऑफ अल्ट्रा वायलेट लाइट कमिंग फ्रॉम द सन। ओके, वो कह रहे हैं कि हमें एटमोसफेयर की रेस्पेक्ट करनी चाहिए। क्यों रेस्पेक्ट करनी चाहिए? क्योंकि हमें प्रोटेक्ट करता है बहुत सारे मीटियोर्स से, ठीक है, हमें प्रोटेक्ट करता है सन की अल्ट्रा वायलेट रेज से। पता होंगे आपको चीज़ें, है ना? नहीं पता है तो हम आगे शायद पढ़ेंगे ये चीज़ें, ठीक है। हाँ, खत्म। इन्होंने एटमॉस्फेयर का मीनिंग नहीं बताया, तो मैं आपको एटमॉस्फेयर का मीनिंग क्लियर कर दूँ। एटमॉस्फेयर हमारे मतलब अर्थ में वो एरिया, हमारे अर्थ का वो स्पेस जिसको बेसिकली सीट बोलते हैं, हमारे अर्थ का वो सीट जहाँ पर एयर होती है, जहाँ पर एयर फ्लो करती है ना, यानी जिस एरिया में एयर फ्लो करती है उस एरिया को हम एटमॉस्फेयर बोलते हैं। अगर एयर आपके आपके सर को कर रही है, तो आपके सर को प्रॉब्लम एरिया एटमॉस्फेयर कहलाएगा। और जनरली एयर पूरी दुनिया में फ्लो करती है, इसलिए पूरी दुनिया में जो एरिया बसता है हम उसको एटमॉस्फेयर बोलते हैं, ठीक है। तो एटमॉस्फेयर का मीनिंग क्या है? जहाँ पर एयर फ्लो करती है। आपकी बुक में डेफिनेशन नहीं लिखी हुई, मैं आपको ट्राई करता हूँ, मिल जाए तो। दो सेकेंड, एटमॉस्फेयर की डेफिनेशन मिल जाए तो मुझे, मैंने लिखी हुई है, एटमॉस्फेयर में लिखी हुई है, देखो। एटमॉस्फेयर क्या है? एक ब्लैंकेट ऑफ एयर, हवा से बनी हुई ब्लैंकेट, आपको दिखाई नहीं देगी, देख देख लेकिन, है ना, कहीं हवा आपको दिखाई नहीं देती है। तो एटमॉस्फेयर क्या है? ब्लैंकेट ऑफ एयर, एयर से बनी हुई एक ब्लैंकेट है जो कि अर्थ को कवर की हुई है, को कवर की हुई है, ठीक है। बोलते हैं एटमॉस्फेयर, इसको बोलते हैं एटमॉस्फेयर, इसको क्या बोलते हैं? एटमॉस्फेयर। तो आपको डेफिनेशन लिखनी, तो अभी और डेफिनेशन लिख सकते हो। ये क्या है? एयर की ब्लैंकेट है, हवा की एक कवर है, हवा की एक चादर है जो अर्थ को कवर की हुई है, ठीक है। वीडियो पॉज करके नोट कर लेना। अभी पढ़ते हैं ना फैक्ट पे। वो कह रहा है ऑन द बेसिस ऑफ कंपोजिशन ऑफ गैसेस, अगर गैस के कंपोजिशन के बेसिस पर बात करें तो एटमॉस्फेयर को हम दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, हेट्रोस्फेयर और होमोस्फेयर। अरे आप खुद समझ जाओ, पता नहीं क्यों आपने इतना ज़्यादा, मैं पढ़ा चुका हूँ आपको, आपको समझ में आ जाए। हेटर होमो का मतलब कहता है सर हमने एटमॉस्फेयर को ऐसे डिफाइन किया ऑन द बेसिस ऑफ गैस, अभी डिफाइन कर रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ गैस। तो होमोस्फेयर मतलब क्या? सर होमो मतलब सेम, यानी ऐसा ऐसा स्फीयर जहाँ पर सेम तरह के एक गैसेस हों तो वो तो होमोस्फीयर हो जाएगा, जहाँ पर अलग अलग तरीके की हैं वहाँ पे हेटरोस्फीयर हो जाएगा। पढ़ लो हेटरोस्फीयर, ये तो हमारा वो था जो हमने शब्दों से वर्ड मीनिंग से अपन समझते हैं, एग्जैक्ट मीनिंग कभी कभी डिफरेंट हो सकता है, पर 90% चांस होते हैं और सही है, ठीक है। अभी तो पढ़ते जाने से चेक करते हैं। हेटरोस्फीयर बिगिन एट अबाउट 80 किलोमीटर एल्टीट्यूड, सर ये 80 किलोमीटर से स्टार्ट होता है। एंड अकॉर्डिंग टू मीटोरोलॉजिस्ट, मीटोरोलॉजिस्ट के अकॉर्डिंग फॉर ऑल प्रैक्टिकल पर्पजेज इट एक्सटेंड टिल 480 किलोमीटर, यानी जो एटमोसफेयर होता है इसकी जो लिमिट होती है 480 किलोमीटर होती है। अब दैट एटमोसफेयर रेरिफाइड, उसके बाद सारी एटमोसफेयर में कहीं और गायब हो जाता है, ठीक है। होमोस्फेयर विच इज द केमिकल कम्पोजिशन ऑफ द एटमोसफेयर, सर ये केमिकल कम्पोजिशन ही है एटमोसफेयर का, इज एन एल्टीट्यूड ऑफ 80 किलोमीटर, ये भी 80 किलोमीटर के एल्टीट्यूड पर होता है। फ्रॉम द सर्फेस ऑफ द अर्थ, फ्रॉम द सर्फेस ऑफ द अर्थ, अर्थ के सरफेस से, ठीक है। असल दोनों में डिफरेंस क्या है? सर यहाँ पर उन्होंने एल्टीट्यूड लिखा है, यहाँ पर उन्होंने फ्रॉम सरफेस लिखा हुआ है। जब हम एल्टीट्यूड वर्ड यूज करते हैं, एल्टीट्यूड का मतलब होता है कि हमारा बेस है ना सी लेवल है, तो 80 किलोमीटर जो काउंट हो रहा है ना, ये 80 किलोमीटर ही हो रहा है फ्रॉम द सी लेवल, अबव द सी लेवल, कि सी लेवल से 80 किलोमीटर के एरिया के ऊपर ये स्टार्ट होता है, यानी कि ये इस लेवल पर स्टार्ट होता है, इस लेवल पर स्टार्ट होता है। तो सर 80 किलोमीटर के नीचे का एरिया,
8 किलोमीटर से नीचे के एरिया को हम होमोस्फेयर कहते हैं। ठीक है, अब द लेयर्स ऑफ एटमोसफेयर, वो मैंने भी एटमोसफेयर का मैंने बताया कि सीट होती है एयर की, तो सीट को ना कैसे लेयर में डिवाइड किया गया है ना। पहला ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, मेसोस्फेयर, एनोस्फेयर, एग्जोस्फेयर। इनके शॉर्ट समरी ऑलरेडी लिखी हुई है मेरे पास, फिर भी मैं आपको आपके बक्से पढ़ाऊंगा। देखो मेरे पास लिखी भी है कि नहीं लिखी। देखते हैं जो मेरा पॉइंट लिखे हुए हैं, अगर आपके बुक में भी यही पॉइंट लिखे हुए हैं तो मैं आपको इसी पिक्चर की, इस पेज की पिक्चर क्लिक करके भेज दूंगा, नहीं तो वीडियो यूट्यूब पर है, आप इसको देख लेना, उसमें मैंने समझाया कि नोट्स लिखे हुए हैं। देखते चलो, पहले पढ़ते हैं जरा। ट्रोपोस्फेयर रीजन ऑफ मिक्सिंग, ओहो किस से डिफाइन किया जा रहा है वो, कह रहा है ट्रोपोस्फेयर एक ऐसा रीजन है, एक ऐसा एरिया है, एक मिक्सिंग वाला एरिया है, यानी सर यहाँ बहुत सारी चीज मिक्स होंगी इसी पर लग रहा है ना। द वर्ड ट्रोपोस्फेयर इज डिराइव्ड फ्रॉम द ग्रीक वर्ड ट्रोपोस। सर ट्रोपोस्फेयर एक ग्रीक वर्ड ट्रोपोस से डिराइव हुआ, जिसका मीनिंग क्या होता है, टर्बुलेंस या फिर मिक्सिंग, जिसका मीनिंग क्या होता है, टर्बुलेंस, टर्बुलेंस मतलब होता है हिलना डुलना, या फिर कह सकते हो मिक्सिंग, या फिर आप कह सकते हो मिक्सिंग है ना। देखो ये कैसे डिफाइन किया हुआ है, ये हमारा अर्थ है, तो अर्थ के ऊपर एक लेवल तक ट्रोपोस्फेयर है, उसके ऊपर कोई ट्रोपोपॉज लग गया, ठीक है, फिर उसके कुछ ऊपर तक स्ट्रेटोस्फेयर है ना, कहीं पर आकर सर ओजोन लेयर आ रही है, कहीं पर अल्ट्रा वायलेट रेज गिर रही है। चलो देखेंगे, और ये सारा कहाँ से मेंटेन हो रहा है, सी लेवल से, कहाँ से, सी लेवल से, ठीक है। मोस्ट ऑफ द वेदर फेनोमेना टेक प्लेस इन दिस लेयर, ओहो सर मेनली जो वेदर में चेंजेस आते हैं जब भी, जनरली है ना, जनरली मोस्ट ऑफ द केसेस में वेदर में चेंजेस आते हैं तो वो चेंज इसी रीजन में आते हैं, यानी स्ट्रेटोस्फेयर में ही आते हैं, स्ट्रेटोस्फेयर में ही, ट्रोपोस्फेयर में ही आते हैं, सॉरी ट्रोपोस्फेयर में ही आते हैं, ठीक है। द ट्रोपोस्फेयर कंटेन्स ऑलमोस्ट ऑल द वाटर वेपर एंड मोस्ट ऑफ द डस्ट पार्टिकल्स। सर ऑलमोस्ट 100% तो नहीं कह रहा, पर 99% तो कह रहा है, वो कह रहा है कि ऑलमोस्ट एटमोसफेयर में इतने वाटर पर होता है, डस्ट पार्टिकल होते हैं, वो सारे इसी रीजन के अंदर, इसी स्फेयर के अंदर आ जाते हैं। दिस लेयर इज सब्जेक्टेड टू इंटेंस मिक्सिंग ड्यू टू बोथ हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल सर्कुलेशन। वो कह रहे हैं ये जो लेयर है ना, इस लेयर में बहुत ज़्यादा मिक्सिंग होती है, बहुत ज़्यादा मिक्सिंग होती है, बहुत ज़्यादा, नीचे वाले पॉइंट को भी छोड़ो, क्या लिखा हुआ वर्टिकल हॉरिजॉन्टल का कुछ क्वेश्चन होगा तो मैं समझा दूंगा, बट अभी कंफ्यूज नहीं होना इसकी वजह से। टेम्परेचर डिग्रीज विद हाइट एट एन अबव रेट ऑफ 1 डिग्री पर सेल्सियस पर 167 मीटर ऑफ हाइट अबव द सी लेवल, दिस इज कॉल्ड नॉर्मल लैप्स रेट। ये तो आपको पता होगा, आपको पता होगा, आपके टीचर ने आपको पहले पढ़ाया होगा कि आप गैसेस ऊपर बढ़ते जाओगे, आप जितना ऊपर जाते हैं तौर पर, हाइट के तौर पर मैं बात कर रहा हूँ, आप जितनी ऊंची हाइट पर जाते हो उतना टेम्परेचर खत्म होता है, कम होता जाएगा, उतना ही टेम्परेचर भी कम होता जाएगा, आपको पता ही नहीं पता। आप ग्राउंड फ्लोर पर खड़े हो, यहाँ का टेम्परेचर अलग होगा, आप 10th फ्लोर टेम्परेचर का टेम्परेचर अलग होगा, आप 15th फ्लोर पर खड़े हो उसका टेम्परेचर अलग होगा, ठीक है। अगर ऐसा नहीं पता तो कभी ट्राई करना, ठीक है, आपको एक्सपीरियंस करोगे सर, 1st फ्लोर का गर्मी होगी,
टेंथ फ्लोर पर थोड़ी सर्दी होगी, 15th फ्लोर पर और ज़्यादा सर्दी होगी, जितना ऊपर जाओगे उतना ज़्यादा कम टेम्परेचर आपको एक्सपीरियंस होगा, तो उसको बोलते हैं नॉर्मल लैप्सेट। मतलब आप ये तो समझ गए ना कि आप जैसे जैसे ऊपर जाते आओगे आपका टेम्परेचर कम होता जाएगा, तो ये जो टेम्परेचर कम होता है तो इसको बोलते हैं नॉर्मल लैप्स रेट, इसको बोलते हैं नॉर्मल लैप्स रेट। तो सर किस रेट से कम होता है? तो वो रेट यहाँ बताई गई है कि आप किलोमीटर नहीं, जस्ट 167 मीटर अगर ऊपर जाते हो तो आपका टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस गिर जाता है, इतने में ही आपका टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस गिर जाता है। तो इस रेट को बोलते हैं नॉर्मल लैप्स कम हो जाना, कम हो जाना। तो इतने से हमारे जो टेम्परेचर है वो इतने से कम होता रहता है। द ट्रोपोस्फेयर एक्सटेंड्स अप टू हाइट ऑफ अबाउट 8 किलोमीटर। ट्रोपोस्फेयर की जो लिमिट होती है वो 8 किलोमीटर तक की होती है, यानी ट्रोपोस्फेयर 8 किलोमीटर के एरिया में ही रहता है एट द इक्वेटर, है ना, एंड डिक्लाइंस ग्रेजुअली टू दी हाइट ऑफ 8 किलोमीटर एट द पोल। लेकिन ये तो बात है, अगर इक्वेटर से आप इसकी हाइट मेजर करोगे तो 18 किलोमीटर आएगी, इक्वेटर पर अगर वो पोल पर खड़े होकर चेक करोगे तो इनकी जो हाइट आएगी वो आएगी 8 किलोमीटर। वो क्या आएगी? 8 किलोमीटर से पोल्स मतलब नीचे आकर आपके, नीचे आकर आपके, नीचे आपके, है ना। द अपर लिमिट ऑफ ट्रोपोस्फेयर इज कॉल्ड द ट्रोपोपॉज। लिमिट लगी जो ऊपर जो लिमिट लगी होती है, यानी जो एक लिमिट है ऊपर देखा था तो उसको बोलते हैं ट्रोपोपॉज, उसको बोलते हैं ट्रोपोपॉज। द टेम्परेचर इज ऑफ डिक्रीजिंग एट दिस लेवल। सर इस लेवल पे आके तो टेम्परेचर का गिरना जो होता है ना वो बंद हो जाता है, बंद हो जाता है, और फिर वो यहाँ पे आके इट मे बी एज लो एज -50 डिग्री सेल्सियस। तो यहाँ पर आकर वो -50 डिग्री सेल्सियस तक हो जाता है, ठीक है, इससे ज़्यादा और इससे और ज़्यादा कम नहीं होगा। तो सारी बात की वो ट्रोपोस्फेयर की ना। और था ओजोनोस्फेयर, ओजोनोस्फेयर ओजोन लेयर के बारे में पता क्या? ये वाला लेयर स्फीयर है जहाँ पे ओजोन लेयर होती है, बिल्कुल। ओजोन स्फीयर इज अबव ट्रोपोस्फेयर, सर ये ट्रोपोस्फेयर के ऊपर आता है, बिल्कुल आना भी चाहिए। एक्सटेंडिंग फ्रॉम 20 किलोमीटर टू 50 किलोमीटर, सर ये 20 किलोमीटर से लेकर 50 किलोमीटर के एरिया में आती है, ठीक है। इट रिजल्ट्स फ्रॉम द स्प्लिटिंग ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल बाय द अल्ट्रावायलेट रेडिएशन कमिंग फ्रॉम द सन। इट रिजल्ट्स, मतलब वो कह रहा है ये जो ओजोन स्फीयर बनता है कैसे बनता है ना, तो ओजोन स्फीयर बनता है फ्रॉम स्प्लिटिंग ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स बाय द अल्ट्रावायलेट रेडिएशन ऑफ रेडिएशन कमिंग फ्रॉम द सन। जब ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स अलग होते हैं ना, तो ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स कब अलग होते हैं? जब सन के अल्ट्रावायलेट रेज आती हैं एटमोसफेयर में हमारे, तो उस टाइम पर जो लेयर बनती है उसको बोलते हैं ओजोन स्फीयर। इट फॉर्म्स एटॉमिक एक्स ऑक्सीजन कम्बाइंस विद अदर ऑक्सीजन मॉलिक्यूल प्रेजेंट एट द एटमॉस्फेयर। एक हिस्से एटॉमिक ऑक्सीजन बना लेते हैं और कंबाइन करते हैं ऑक्सीजन के अदर मॉलिक्यूल्स के साथ जो कि उस एटमॉस्फेयर के अंदर प्रेजेंट होते हैं, है ना, और एक लेयर बना लेते हैं। तो सर ये लेयर कर देगा दिस ओजोन लेयर एब्जॉर्ब्स अल्ट्रावायलेट रेडिएशन फ्रॉम द सन। ये सन से आने वाली सारी अल्ट्रावायलेट रेज को क्या कर लेते हैं? एब्जॉर्ब कर लेते हैं एज द रेज कम टुवर्ड्स द अर्थ सरफेस, दस प्रोटेक्टिंग द अर्थ फ्रॉम द हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेज टुवर्ड द अर्थ सरफेस। दस इससे क्या करती है, इस तरह से वो क्या करती है अर्थ को हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेज से उनको ये प्रोटेक्ट करती है, प्रोटेक्ट करती है, ठीक है। कितना छोटा चैप्टर रख रहे हैं, बड़ा है इसके आगे नेक्स्ट पार्ट बनाते हैं।